नमस्कार, INN 24 न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई महानगरी नहीं बल्कि पूरे भारत के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद क्या था, कैसा था, कहां से था और उनके गुरु उस्ताद हाजी मस्तान मिर्जा बाल खड़े होता है कि जब भारत का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डॉन कहा जा माना जाता है तो उसका गुरु, उसका उस्ताद, उसका ऋषि कैसा होगा। लेकिन नहीं, आज मेरे साथ जिसे सुलेमान मिर्जा सुंदर शेखर कहते हैं वो मेरे साथ मौजूद है। सुंदर जी, INN 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बात है, जैसा कि मैंने कहा कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन, नफरत हो गई है, ठीक है, नफरत हटाइए। नफरत इसलिए हुई है कि बाप का नाम कहीं ना कहीं हाजी मस्तान का नाम बदनाम करने पे उसका भी हाथ है। जैसा मैंने शुरू पे कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन का गुरु कैसा होगा, तो हाजी मस्तान कैसे थे वो आप बताइए। हाजी मस्तान मेरा बाप है, बाप से पढ़ी थी, मैं तो बाप को तो देखा ही नहीं, माँ बाप को देखा नहीं, मेरे बाप से पढ़ी थी। जो ये अभी अभी 10 दिन पहले लल्लू भाई बोल के करापन मार्ग में पूरा समाज था, वो दाऊद को लाने वाले हो। अभी जो पाम ब्लास्ट के अंदर वही भाई तेरे साथ अंदर छोटा, अभी कुछ बीमार था हॉस्पिटल में, मुझे बुलाया था भाई मुझे उनको देखना है, मैं पहुँचा उतने में मिल गया। बाप बाप था, ये बात अलग है। ये दाऊद के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्यों, कुछ कुछ लोग में ये भाई पुलिस वाले भी बदमाश है, हर आदमी बदमाश है। अभी मोहब्बत और नफरत क्या बोलूँ, मैं बोलना अच्छा नहीं, भक्ता ने भी बोलूँगा। जो बाप बाप था उस टाइम ये भिंडी बाजार में रहते थे, इन लोग का काम कुछ अलग ही था। इसके पिताजी पुलिस वाला था, हेड कांस्टेबल था, गुना कोई भी करेगा समझो, पुलिस वाले बेटे को पुलिस वाला मारता नहीं, इसलिए उसको हिम्मत हो गई। नूर आया हमारे साथ था, अनिस ऐसा हमारे साथ था, फोन किया मैं बात करता हूँ। अभी ये जो लपड़ा हुआ ना उसके बाद मैंने भूल गया उनसे बात करना, भूल गया, क्यों, अपने इस्लाम धर्म को खराब करने वाले ये लोग, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक परिवर्तन जैसी बात की जाती है, इस्लाम धर्म परिवर्तन, इस्लाम की आपने बात किया, एक अदर कास्ट से रह के हाजी मस्तान के यहाँ आपकी परवरिश हुई और इस्लाम जो जाना आपने और जो पिक्चर्स आपने अपने घरों पे रखा है, अपने ऑफिसों में रखा है, शायद ही दुनिया पे नहीं है, तो इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहिए। इस्लाम के मापक धर्म नहीं है, कुरान के मापक किताब नहीं है, मुझे सिर्फ हाजी मस्तान के सिवा कोई चलने वाला मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं इस्लाम कन्वर्ट नहीं हुआ। 27 जुलाई 2010 को अजय देवगन एक फिल्म बनाता है जिसमें सुल्तान मिर्जा के नाम से भूमिका निभाते हैं और पूरे मुंबई को जिस तरीके से हाजी मस्तान की बात की गई कि अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है। और पिछले दिनों की अगर बात करूं तो रजनीकांत एक फिल्म बना रहे थे काला करके जिसमें हाजी मस्तान का रोल प्ले था, उसमें डॉन अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जा रहा था, उसको लेके काफ़ी ऑब्जेक्शन आपने और आपके द्वारा उठाया गया था, नेशनल मीडिया और मीडिया की सुर्खियों में भी आप बने रहे थे उस वक्त, तो क्या है पूरा हाजी मस्तान का। पहले मैं किसको अजय देवगन के बारे में बोलूँगा, किस बारे में, अजय देवगन के बारे में, जो उनसे पंटम जो आया पूरी मई स्टाइल से आया, अजय देवगन है वो एक्टर, अच्छा वो क्या करेगा, डायरेक्ट ने उसको उल्टा सुल्टा भड़का दिया। उसमें दिखाया दाऊद ने हाजी मस्तान को मारा, उसको ये नहीं मालूम है दाऊद ने हाजी मस्तान के नाम से ऊपर आया। पिक्चर में मैं जो देखा, मैं कोई पिक्चर देखता नहीं, जब पिक्चर देखने गया उसमें हाजी मस्तान को दाऊद ने मारा। अभी दाऊद क्या था क्या नहीं था ये बोलने वाले क्या बोलूँ घंटा। फिर मैं कोर्ट में गया, अशोक सरोही मेरा एडवोकेट था, एकता कपूर के 5-10 एडवोकेट था। एकता कपूर ने क्या बोला उस टाइम में, वो किधर एक्शन हो गया, गिर गई, सुंदर ने आके मुझे गाड़ी में ठोक दिया, हाँ इतने बेशरम है, हाँ ठोकता नहीं उड़ा देता, तुमने ऐसा गंदा गंदा बोला। ये इसमें क्यों पूछ रहा है यार,
दूसरे बाप हो गए ठीक है चलिए तो उड़ा है वो सवाल एक अलग हो जाता है मैं किसी ने उड़ा हाजी मस्तान के हाँ आपकी परवरिश हुई सुनिए ना आप हाजी मस्तान के आपकी परवरिश हुई आप बाप से भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं बंगले की अगर बात की जाए तो बंगले को लेके केसेस उठे हुए सामने अदालत पे चक्कर काट रहे हैं आप भी चक्कर काट रहे हैं उनकी बेटियां भी चक्कर काट रही उसके अलावा भी तीसरी अननोन एक लड़की आती है और कहती है कि मैं हाजी मस्तान की बेटी हूं जिसमें आपने भी बयान दिया और आपने भी मीडिया की सुर्खी बांटे बात ऐसी है बहुत गलत बात है उसने किया हाजी मस्तान मेरा बाप है उनकी रूम में कोई जा नहीं सकता ना पेटियों घाटियों कोई नहीं जा सकता सिवाय सुंदर 24 घंटे कभी नहीं जा सकता बाप बाप था क्यों आज मैं जिंदा हूँ बाप की उसे जी रहा हूँ जो औरत लोग ने वो जो बाप जीते जी मुझे बोला वो जगह बेच डाल तो बाप बाव नहीं करके मैंने चुप बैठा इतने में ये लोग नसरुद्दीन करीम का बेटा शकील है और ये जो ये शमशाद सुपारी वाला ये लोग मिल के कुछ गोलमाल किया है शमशाद सुपारी वाले का नाम आपने लिया शमशाद सुपारी वाला कहते मस्तान मिर्जा सुंदर शेखर सब नकली है क्या है बोलना तुम जो बोल रहे हैं भाई नकली है वो कोई असली है क्या है बाजी मस्तान पक्का सुन्नी है वो किसे शादी के पूछो उसकी जो जवाइना है बाप का मेरे सामने खड़े नहीं रहे हुए ये क्या यू भी मैंने ऑफिस में बिठाया है कुछ टाइम क्यों बाबा गुजरने के बाद इनकी ये बोला मैं अभी बाबा गुजर गए अपने को नाम रखना है बाबा जी बोलने लगा भाई मैं तो बैठ नहीं सकता सब बैठ नहीं सकता बोला ये बोला हम लोग बुरके में तीनों 14 साल के बाद आया मैं पर बैठता हूँ बोलकर उसको मैंने ठीक है मेरे बहन है बोल के बिठाया वो रात को दारू पी गए हाँ और बापू का नकली साइन करके कहा गोलमाल करे फिर मैंने वो सब लोग मुझे बोल रहे लेकिन वो तो कहती केस में जीतूंगी मैं बेटी वो ये आज वकील चैप्टर है जज चैप्टर है सब कहते हैं अरे ये जो केस अभी लड़ा पूरा पूरा मेरे नाम का है 99% पूरा नाम का है कालीन में बाप जिंदा बाप का नाम मैं कब तक जिंदा हूँ नाम जिंदा रहकर इनके मैं बाप का नाम बलि नहीं किया उसने उसका फायदा होता है आज भी कहीं ना कहीं हाजी मस्तान के ऑफिस आपके हैंड ओवर है आप पूरा ऑफिस संभालते हैं बंगले की बात आती है दो दो तीन तीन चार चार लोग वहाँ पे दावेदार है करीम लाला के बच्चे करीम लाला के बेटों के अभी कब्जे पे है क्या कहना चाहिए ये सर छपरी लोग कोई किसी कब्जा नहीं है वो सकेल रहता है नसरुद्दीन करीम का बेटा रहता है उसकी माँ रहती है मगर किसकी चपरी में नहीं है ये लोगों ने नकली साइन करके बहुत गोलमाल किया जो लेने वाला है कभी मौका मिलेगा तो मैं तोड़ डालूंगा छोड़ूंगा तो ये तो सीधे सीधे धमकी हो गई सर जिस तरीके से रजनीकांत को आपने धमकी दिया ये भी धमकी हो गई कहीं ना कहीं अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ हाजी मस्तान डॉन स्मगलर ये फलाने ढिमका वो बोल रहा है उसको तुम पूछा नहीं है हाजी मस्तान इधर 1000 रुपए का माल बिकता है वो 100-125 रुपए में माल देने वाले हैं टैक्स नहीं देते थे वो टैक्स नहीं देते थे इसलिए उसको स्मगलर बोलने लगा ना है ना वो तुम सुनेगा ऐसा है ये पेकम बाग बातें कर रहा है वो अच्छा है क्या ठीक है कोर्ट आपकी खुद की जुबानी आप कहते हैं आज पैसे का जमाना है पैसे के थ्रू अगर कोर्ट बिक जाता है फैसला उन बेटियों के हाथ में आता है तो आप क्या कदम उठाएंगे सवाल ही नहीं होता ये कानून बिकता है वही मैं बोल रहा हूँ कानून बिकता है कानून बिक गया ठीक है 2 मिनट के लिए कानून बिक गया बंगला उनके हैंडओवर हो गया क्या करेंगे आप अच्छा बंगला हैंडओवर होने दे दूंगा नहीं मेरा एक दोस्त है अजय सोंडा बोल के बाबा का पुराना दोस्त है कुछ बातें मैं बताऊंगा वक्त आने पर बताऊंगा भी नहीं कोई भी जो फ्लैट लेगा उसको तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद को नहीं ये हाजी मस्तान हुआ मुसलमान का एरिया में एक ही आदमी हाजी मस्तान का बंगला तो वो तुम रहो ना कहीं को बेचता है कौन बोल रहा है बाप का नाम जिंदा रखो या बाप का नाम बदनाम करे ये कोई बेटी है ये घाटी है किसके रूप से आप बता क्या करना चाहते हैं बंगले को हत्या के क्या नहीं बंगला बेचना नहीं बाप का नाम रखो तुम लोग रहो ठीक है नहीं ठीक है क्या करना चाहते हैं उनके कब्जे में छुड़ी आपके कब्जे में आ गई क्या करेंगे मेरे बेचेंगे मेरे कब्जे में तो मैं कहीं को बेचूं बाप का नाम रखूंगा कोई हिस्ट्री में आना चाहिए कि खैर को आदमी हिंदू ने मुसलमान का नाम जिंदा रखा वो जिंदगी में मेरा आना चाहिए गैर कौम हिंदू ने सुंदर शेखर जिसने पूरी बचपन से लेके अभी तक की जिंदगी गुजार रहे हाजी मस्तान के ऑफिस में बंगला आने के बाद उसे जिंदा रखूंगा हाजी मस्तान की निशानी दुनिया के सामने रखूंगा लेकिन ये बंगले की बात हुई पार्टी को लेकर अगर बात किया जाए हाजी मस्तान ने दलितों को मुस्लिमों को लेकर एक पार्टी बनाया था और वो पार्टी का परचम आज आप लहरा रहे और पूरे भारत विश्व में आप घूम रहे हैं कहीं ना कहीं 2019 की तैयारी के लिए
मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी शान है ना बम्बई का, बाप का नाम सब बन गया। एक एग्जाम्पल छोटी सी बात बोलूँ, बाप ने मेरे शादी कराया, इस्लाम में शादी सिल्क में गई, मेरे सिल्क पहन के शादी कराया। करीम लाला पूछ रहा है यार तू सिल्क पहना, मेरे बेटे की शादी। बाप भले मेरे को उससे बोलते थे दूसरी भाषा में, और मेरा बेटा भी जिस दिन बाबा गुजरा उसी दिन उसी डेट का पैदा से। मैं ये चाहता हूँ जो बाबा का नाम रखने के लिए एक आदमी मुझे अच्छा मिला, नीलेश तोराट बन के है ना, वो अच्छा है, इसमें सब जानता है, समझदार है, होशियार है, मैं उसको रखा हूँ। अभी वो जो बंगले के बारे में बात करें ना, वक्त आने पर देखूँगा, अभी कुछ बोल का कोई फायदा है। ठीक है, पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जिस तरीके से पूरे भारत का आप दौरा कर रहे हैं, 2019 की रणनीति कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्या लगता है इसको लेकर? देखो बाप का, मैं कब तक भी जिंदा हूँ बाप का नाम जिंदा रख के नहीं, क्यों? बाप बाप है, उसके सामने कोई हाथ में है नहीं। सर इन लोगों में कोई छपरी वपरी बताया नहीं, मैं कहूँगा जब वक्त आने पर आपको बताऊंगा मैं क्या करूँगा। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो दलित और मुस्लिमों को लेकर एक पार्टी बनाया गया था हाजी मस्तान द्वारा, उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए पूरे भारत का आप दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है 2019 की तैयारी सुंदर शेखर द्वारा जोर शोर की जा रही है? बात हकीकत है, सही बात है। तो दलित मुस्लिमों की जो बात है आप बता रहे ना, जो जोगेंद्र गवड़े बाप का अभी क्या बोलना अच्छा नहीं, इसने बिगड़ गया है, वो आदमी कोई सही नहीं है। बाप को सब धोखाधड़ी देने वाले मिले, कोई प्यार करने वाले कोई नहीं मिला। जितने भी सियाने लोग हैं बाप के नाम से ऊपर आए उनको मैं बोलता हूँ, विनती करता हूँ, कुछ कोशिश करो बाप का नाम जिंदा जिंदा रखने के लिए कोशिश करो। कोशिश करने के लिए 2019 में हाँ। जो आने वाला इलेक्शन है उसमें कहाँ कहाँ से आप सीट उतारेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट या फिर ऑल ओवर इंडिया? महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में, पहले महाराष्ट्र में देखें बाद में ऑल ओवर। लोकसभा विधानसभा दोनों सीट आप अपनी पार्टी के थ्रू लड़ाएंगे? करेंगे, वो सब नीलेश तो सोचिए, नीलेश कैसा हो गया वो सब। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ पद बांटक हो चुका है, पद दे चुके हैं, कुछ क्या पद बाकी है और कहाँ देने आए हैं अभी आप? बहुत पद दे चुका है, बहुत बात है, अभी आपको बोलना भी सही नहीं है। पहले पार्टी का नाम ऐसा था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, एक खवाड़ की वजह से वो नाम रखा गया। दो प्रेसिडेंट था अपनी पार्टी, खवाड़े सबसे वो गोल घुमा है, उसके बाद उसका नाम हटा दिया, अभी भारतीय मराठी सुरक्षा महासंघ बोलते उसमें नाम रखा है, बाप ने नाम रखा। उस पार्टी मेरा बाप का है, कब तक मैं जिंदा रखूँ उनके नाम रखे मैं मरूंगा, बाकी जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना समझ के आगे। नागपुर में अमजद शेख को जिस तरीके से कमान सौंपी जा रही है, किस चीज़ को लेकर? अभी वो नीलेश और दोनों का बात करेंगे, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी, क्या करना वो नीलेश करेगा। आजिम मस्तान कोई शोक नेता में पार्टी बनाओ, ये करो वो करो, समझा? आजिम मस्तान कुछ अलग किस्म के इंसान था, जो गरीबों पर जुल्म हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, बोलो उन्होंने दलित मुस्लिम बनाया, ना दलित ने साथ दिया ना मुस्लिम ने साथ दिया। अगर सब मिलकर इनको साथ दिया होता, देखा ये ना नरेंद्र मोदी सबको अपने कादी में बिठा दिया ना, बेकार, समझा? बीजेपी वाले ने क्या क्या बुरा कर रहा है, किधर भी जा रोड ब्लैक, किधर भी जा रोड ब्लैक। वो नितिन गडकरी गडकरी क्या कर रहा है वो मालूम नहीं, और क्या बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं। उनको ऊपर इतने केसेस है, ये लोग ने क्या कर रहा है, जज को गर्दी कर देते हैं, वकील को गर्दी कर देते हैं, सब गर्दी कर देते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। आज खुदा करे इन लोगों को जल्दी जल्दी छुटकारा दे, छुट्टा करे, आम गरीब लोगों को अच्छा रास्ता दिखावे, गरीब लोग आगे आने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और ये जो जो अपना कार्यकर्ता कोई भी, वो मेरी पार्टी नहीं है, आप लोग की पार्टी है, आप लोग पार्टी समझ के आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, आगे रखे वो पैर पीछे मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दुआ में याद करो, ठीक है? बॉलीवुड की बात की जाए या फिर दूसरी फिल्म सिटियों की बात की जाए, जिस तरीके से हाजी मस्तान को लेकर एक मूवी फिल्म बनाई जाती है, उसमें अगर कहीं ना कहीं आपको ऑफर दिया जाए कि हाजी मस्तानी के रोल पे आप सामने आए तो आना चाहेंगे? देखो मेरा नाम का सुंदर मस्तान बोल के पिक्चर निकालने वाले बताने पे आपको बताऊँ, ये सब छपरी लोग हैं, जो भी है जितने फिल्म एक्टर ना छपरी है, क्या बोलना अच्छा नहीं। अपने जायदे देवन के बारे में बात किया, पहले पट्टी थी उन लोग की, अभी चल ठीक है देखते क्या होता है, कहीं अभी उसमें जो वंस अपॉन टाइम के जजमेंट ने ऐसा जज ने ऐसा ये किया, जजमेंट दिया, पहला पूरा मेरे तरफ था,
21 दिन में ऐसा बदल गया, ये पिक्चर आजी मस्तान के नहीं है, बोलकर पहले वो रिलीज करो, बाद में पिक्चर का नाम चलो, तो कोई जजमेंट है? सब बिकता है यार, कानून बिकता है, कानून बिकता है, सब बिकता है। और पैसे की अगर बात की जाए तो उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैमरामैन राहुल के साथ INN24 न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।